गुड आफ्टरनून मेबी सिक्स एंड वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सेकेंड यूनिट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट अप्रेजल. ठीक है, प्रोजेक्ट कितना, प्रोजेक्ट के अप्रेजल के लिए बहुत सारे व्यू पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट, टेक्निकल अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल एंड लास्ट वन वॉज द मैनेजमेंट अप्रेजल. ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली अपन ने एक टर्म में पढ़े थे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट अप्रेजल. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, कितना भी बुरा प्रोजेक्ट हो, इफ इट इज वेल मैनेज देन इट कैन गिव, इट कैन रीप यू गुड बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स. ठीक है, तो जितने भी टेक्निकल अप्रेजल है, फाइनेंशियल अप्रेजल है, ठीक है, मार्केटिंग अप्रेजल है, ऑल दीज इकोनॉमिक अप्रेजल विल बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अप्रेजल. ठीक है, तो मैनेजमेंट अप्रेजल जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. और किसी भी बेस्ट प्रोजेक्ट को विदाउट मैनेजमेंट पुअर बन सकता है, और कोई भी पुअर जो प्रोजेक्ट होता है वो बेस्ट मैनेजमेंट से इम्प्रूव हो सकता है. ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. ठीक है, तो रिस्क जो होती है वो दो तरह की मैंने आपको बताई थी, नॉन रिस्क एंड अननोन रिस्क. ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो नॉन रिस्क होती है उसकी अपने को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अननोन रिस्क जो होती है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं होती है. ऑल्दो द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, अननोन रिस्क बोलते हैं. ठीक है, तो अपने को क्या है, वी नॉन रिस्क के लिए क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर एक प्लान भी तैयार किया जाता है. ठीक है, और जब वो रिस्क अकर होती है, ठीक है, तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब रिस्क जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है प्रोजेक्ट के लिए. तो पॉजिटिव रिस्क जो होती है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है प्रोजेक्ट को, नेगेटिवली रिस्क जो होती है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. ठीक है, तो जो रिस्क रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटेजी जो होगी प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या होगी, कि पॉजिटिव रिस्क की अकरेंस को हमको प्रमोट करना है और उसके इम्पैक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत करना होता है. ठीक है, वाइल नेगेटिव रिस्क की अकरेंस को कम करना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कम करना होता है और उसके इम्पैक्ट को भी कम करने की कोशिश की जाती है. उसके बाद आपको बताया था अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी जो होती है उसके अंदर कुछ भी पता नहीं होता है, there is no background information, there is no existence of the background information. तो उसके अंदर क्या है कि उसको टैकल करने का तरीका क्या है, to utilize the management reserves. ठीक है, जो management reserves होते हैं उसको भी utilize करते हुए उस unknown जो risk होती है या फिर जो uncertainty होती है. ठीक है, जब उसमें कुछ भी certain नहीं होता है, अपन ने football match का example दिया था, तो अननोन रिस्क के अंदर अपने को ये पता था कि उस फुटबॉल टीम में कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी के लिए ये भी नहीं पता था अपने को कि उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं. तो वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया दैट हू विच टीम इज गोइंग टू विन द फुटबॉल मैच. ठीक है, तो उसी तरह से प्रोजेक्ट में होता है कि अनसर्टेनिटी की वजह से प्रोजेक्ट की जो सक्सेस होती है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ठीक है, एक बार रिस्क को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, रिस्क को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन किया जा सकता है वेदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और नॉट. ठीक है, उसके बाद आता है अपना लास्ट टॉपिक जो है वो है सोशल एंड कॉस्ट बेनिफिट अप्रेजल. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट का जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स का जो उद्देश्य होता है दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो ऑल द एक्टिविटीज आर गवर्न टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो वहाँ पर जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, ठीक है, वो कितना इन्वेस्टमेंट अपन ने किया है और कितना उससे अपने को रिटर्न मिला है. लेकिन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो उसमें क्या होता है अपने को अप्रेज करना होता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट. ठीक है, तो सोशल कॉस्ट क्या होती है कि हमेशा कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखना है, कुछ समय क्या करना पड़ता है, जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम सोशल कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं. वो उसके अंदर क्या है कि जो बेनिफिट मिल रहा है सोसाइटी को, ठीक है, कॉस्ट तो उसकी लग रही है बट जो बेनिफिट मिल रहा है सोसाइटी को दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉस्ट.
ठीक है, तो जो बेनिफिट जो होगा सोसाइटी को, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ टूल फॉर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ मनी, पर्टिकुलरली ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अपन पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रोजेक्ट जो चलते जनरली होते हैं दोज आर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मैनी इकोनॉमी, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग विद रेस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिजाइन प्रोग्राम क्लोजली इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हर इकोनॉमी में, हर गवर्नमेंट में, हर पब्लिक सेक्टर जो होता है वो टाइम टू टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ते हैं उनको, एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर द सोशल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, रोड्स बिल्ड करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल्ड करना, ठीक है, तो इनका जो सोशल रिटर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट रिटर्न। ठीक है, उसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, असेसिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन द पब्लिक एज अपोज टू, तो पब्लिक प्रोजेक्ट जो होते हैं ठीक है उनकी डिजायरेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रेजल के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉस्ट कितनी लगती है और उससे सोशल बेनिफिट कितना मिल रहा है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ठीक है, सभी जो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो पब्लिक कॉस्ट हो प्रोजेक्ट हो, ठीक है, सोशल प्रोजेक्ट हो या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट हो, सब में रिस्क ऑन अनसर्टेनिटी एज यूजुअल रहती है। प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, एट द एंड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है, दैट इज द स्टेप्स। ठीक है, और स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, वी ट्राई टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं हम सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वी शेडो प्राइस। ठीक है, शेडो प्राइस क्या होती है, शेडो प्राइस एक प्राइस जब अपने को मार्केट प्राइस अननोन होती है। ठीक है, इफ द मार्केट प्राइस कैन नॉट बी नोन देन वी गिव द शेडो प्राइस टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को अपन क्या करते हैं, शेडो प्राइस देते हैं, एंड दैट शेडो प्राइस इज इक्विवेलेंट टू दैट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट की जो प्राइसेस होती है उसके अनुसार अपन उसकी एक शेडो प्राइस तैयार करते हैं। ठीक है, और उसको एडजस्ट किया जाता है शेडो प्राइस के अनुसार द नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो नेट बेनिफिट जो मिलने वाला है दैट इज डिटरमाइंड नॉट ऑन द मार्केट प्राइस बट ऑन द बेसिस ऑफ द शेडो प्राइस। ठीक है, तो शेडो प्राइस में अपन क्या कंसिडरेशन करते हैं कि सोशल बेनिफिट को भी अपन कंसिडर करके चलते हैं उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, फिर जो नेट बेनिफिट आया है यहाँ पर प्रोजेक्ट का उसको अपन एडजस्ट करते हैं विद इट्स इम्पैक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो नेशन की जो पब्लिक की सेविंग है और नेशन की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उस नेट बेनिफिट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो चौथे में अपन नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लास्ट में करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नेट बेनिफिट ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड हूज सोशल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक वैल्यू। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल गुड्स, ये सभी क्या है, ऑल दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द बेनिफिट टू द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी नेशन की सोसाइटल डेवलपमेंट को वो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और सोसाइटल डेवलपमेंट के साथ साथ उस कंट्री की कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी अपन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ये तात्पर्य होता है, ये उसका मीनिंग होता है दैट अलॉन्ग विद मेजरिंग द कॉस्ट एंड रिटर्न वी नीड टू मेजर द सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट अचीव बाई द प्रोजेक्ट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन सेविंग, इट्स इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट्स इम्पैक्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ठीक है, तो वो सोसाइटी के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सो That's all for today. Here we have completed the second unit of the project management. We will start with the third unit in the next lecture. Okay.